एक शानदार कार्यक्रम के दौरान वेगस मॉल द्वारका में अनंत की ओर एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी में अलग अलग कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स लगाए हैं। इसके आयोजन में मुख्य भूमिका जो रही वो कला भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स और वेगस मॉल की रही। इस कार्यक्रम के दौरान द्वारका डिस्ट्रिक्ट के DCP IPS अंकित सिंह उपस्थित थे और वहां पर उन्होंने जो कलाकार थे उनका हौसला बढ़ाया और उनके साथ साथ HL ग्रुप के फाउंडर और वेगस मॉल के को फाउंडर सुरेश आनंद जी, बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर जसप्रीत कौर, एक जाने माने स्क्रिप्चर आर्टिस्ट टूटू पटनायक जी और डॉक्टर हरविंदर मनकर जी जो कि फिल्म डायरेक्टर और बॉलीवुड राइटर हैं, ये सब इसके उद्घाटन के दौरान मौजूद थे और उसके साथ साथ कई और डिग्निटरीज भी थी जो वहाँ पर मौजूद थी। और मेरे साथ हैं द्वारका डिस्ट्रिक्ट के DCP अंकित सिंह जी। सर, आप यहाँ पर आज ये बच्चों की एग्जीबिशन देखी आपने आर्ट की, कैसा लगा आप? बहुत ही अच्छा। आप जैसा देख रहे हैं अनंत की ओर, तो ये उड़ान बहुत लंबी है और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे आर्ट्स की बहुत ही छोटी सी समझ है, बट उसको देख के लग रहा है जिस तरीके से पेंसिल वर्क, ऑयल पेंट, यहाँ तक कि कोल वर्क, उससे भी पेंटिंग्स तैयार की गई हैं और करने के लिए बहुत कुछ है। आप देखेंगे कि जो टेराकोटा की जो अभी आपने देखी होंगी बहुत सारी स्टैचूज़ और बहुत सारे आर्ट वर्क, मतलब उसमें इतना स्कोप है और बच्चों ने इतना प्यारा काम किया है कि बहुत अच्छा लगा। और इन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और आगे जीवन में ये और ऊपर तक जाएं, अपने मुकाम को पाएं और अनंत की ओर जैसा नाम है वैसे ही इनकी जो परचम है ऊपर अनंत तक जाएं। सर, बहुत मुश्किल होता है आपके जैसे शेड्यूल में अपना समय निकाल पाना, लेकिन जिस तरह से आज आप यहाँ आए हैं मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों का हौसला बढ़ेगा। इसके बारे में आप कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए, एट लास्ट मेरा काम है लोगों को अच्छाई की तरफ रखना और बुरे कामों से दूर रखना। अगर ये बच्चे किसी अच्छे काम की तरफ काम कर रहे हैं तो ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि इन बच्चों का प्रोत्साहन किया जाए और इन सबको मोटिवेट कर सकूं अगर थोड़ा सा भी, तो उसका मौका मिला है तो ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी किसी भी क्षेत्र में बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको प्रोत्साहन की। क्योंकि जब भी कोई बच्चा कुछ बन जाता है, बड़ा बन जाता है, तो उसके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है उस समय जो उनको सपोर्ट चाहिए होती है वो अक्सर उन्हें कम मिल पाती है। रेडियो द्वारका वेगस मॉल की जो पूरी मैनेजमेंट की टीम है उसको बधाई देता है इस बात के लिए कि उन्होंने इन बच्चों को वो मौका दिया जो कि डेफिनेटली आने वाले समय में उनका उत्साह भी बढ़ाएगा और उनको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।